जय कपी सुसुग्रीव तुम, जय अंगद हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। बंदो हनुमत नाम यह भोमवार परमान, ध्यान धरे नर निश्चय पावे पद कल्याण। जो नित पढ़े यह साठिका तुलसी करे विचारी, रहे न संकट ताही को साक्षी है त्रिपुरारी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ DharmicStory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं लाया हूं हनुमान जी से जुड़े तीन ऐसे प्रसंग जो हमें बहुत बड़ी सीख देते हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन तीनों प्रसंगों को ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी। पहला प्रसंग, एक बार माता सीता ने हनुमान जी की सच्ची और निस्वार्थ सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य रत्नों की माला भेंट देते हुए कहा, पुत्र हनुमान, तुम रघुनंदन श्री राम के सच्चे सेवक हो। तुमने सदा बिना किसी स्वार्थ के रघुनंदन श्री राम की सेवा की है। इस दिव्य माला के सच्चे अधिकारी तुम हो, लो इसे ग्रहण करो। जब हनुमान जी ने उस दिव्य माला को अपने हाथ में लिया, तब उन्होंने प्रत्येक रत्न को माला से अलग कर दिया और उन्हें ध्यान से देखने लगे और फिर जमीन पर फेंकने लगे। यह देख दरबार में उपस्थित विभीषण जी को ये बात ठीक न लगी और उन्होंने हनुमान जी से सवाल किया, हे बजरंगबली, ये आप क्या कर रहे हैं? इतनी दिव्य माला को स्वयं माता जानकी ने आपको भेंट दी थी, उसे तोड़ मरोड़ कर आपने फेंक क्यों दी? तब हनुमान जी उन्हें कहते हैं, क्योंकि ये माला पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर कुछ नहीं। तब विभीषण जी पूछते हैं, क्या ऐसे अमूल्य रत्न आपको पत्थर के टुकड़े लगते हैं बजरंगबली? तब बजरंगबली ने कहा, अमूल्य रत्न, पर मैंने तो इन्हें बहुत ध्यान से देखा, परंतु मुझे इनमें से किसी में भी मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और सीता मैया दिखाई नहीं दिए। आगे हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी, आपके लिए ये कंकर पत्थर अमूल्य, दिव्य और अद्भुत हो सकते हैं, परंतु जिन रत्नों में प्रभु श्री राम की छवि दिखाई ना दे, मेरे लिए वे रत्न साधारण पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने इस माला को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। तब विभीषण जी कहते हैं, तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार में वो सभी वस्तुएं बेकार हैं जहां प्रभु श्री राम के दर्शन ना हो? हनुमान जी कहते हैं, यही सत्य है, आपको कोई संदेह है क्या? तब विभीषण जी हनुमान जी से पूछते हैं, यदि ऐसी बात है बजरंगबली, तो आप जिस शरीर को प्रेम और गर्व से धारण किए हुए हैं, क्या इसमें भी प्रभु श्री राम बसते हैं? और यदि नहीं, तो आपने इसे धारण क्यों किया है? तब हनुमान जी विभीषण जी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, ठीक कहा आपने, मेरे तो रोम रोम में प्रभु श्री राम और सीता मैया बसते हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो मैं अभी दिखा सकता हूँ। और ये कहकर उन्होंने अपनी छाती चीर डाली और विभीषण जी सहित सभी सेवकों को हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी और माता सीता के दर्शन हुए। दूसरा प्रसंग, एक बार माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। उनके पास में ही बैठे हनुमान जी उन्हें सिंदूर लगाते हुए देख रहे थे। उन्होंने सीता माता से पूछा, माते, आपको हर रोज हम इसी तरह सिंदूर लगाते हुए देखते हैं, मांग में सिंदूर लगाने से क्या आशय है? सीता माता ने कहा, हनुमान, मैं अपने पति श्री राम के नाम का सिंदूर अपने मांग में लगाती हूँ ताकि उनकी उम्र बहुत लंबी हो। हनुमान जी सोच में पड़ गए और उन्होंने फौरन ही एक थाल सिंदूर लिया और अपने शरीर पर लगा लिया। उनका पूरा शरीर लाल सिंदूर के रंग में रंग चुका था। सीता माता यह सब देखकर हंसते हुए बोली, हनुमान, इसका क्या अभिप्राय है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, माते, मैंने भी श्री राम के नाम का सिंदूर पूरे शरीर भर में लगाया है ताकि उनकी असीम कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे और मेरे प्रभु मेरे आराध्य की उम्र इतनी लंबी हो कि मेरा संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में ही बीते। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर माता सीता का हृदय गदगद हो उठा। ये देखकर प्रभु श्री राम भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आज के बाद जो कोई भी मंगलवार के दिन बजरंगबली को चोला चढ़ाएगा या चोला चढ़ाने में सहायता करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। वो बजरंगबली की कृपा प्राप्त तो करेगा ही, साथ ही वो मुझे भी प्रिय होगा। तीसरा प्रसंग, जब हनुमान जी समुद्र पार करके सीता माता को खोजने के लिए लंका पहुंचे, तब वे रावण के छोटे भाई विभीषण के पास गए। विभीषण ने हनुमान जी से एक छोटा सा प्रश्न किया कि प्रिय हनुमान, क्या श्री राम मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाएंगे? रावण मेरे भ्राता है, क्या यह जानते हुए भी वो इस संसार से मुझे मुक्ति दिलाएंगे? यह सुनते ही हनुमान जी बोल पड़े, विभीषण महाराज, आप संशय क्यों कर रहे हैं?
जब मुझ जैसे वानर कुल में पैदा हुए एक वानर को उन्होंने शरण दे दी, अपना दास स्वीकार कर लिया, तब भला वे आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? आप तो एक इंसान हैं और आपके अंदर इतनी अच्छाइयां छुपी है, वे जरूर आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने ही अपनी भक्ति से विभीषण के मन में भी अटूट विश्वास पैदा कर दिया, जिस कारण ही विभीषण श्री राम का साथ देने को पूर्ण रूप से तैयार हो गए। दोस्तों, पहले प्रसंग का आशय है कि भगवान हम सबके हृदय में विद्यमान है और उन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे प्रसंग से अभिप्राय है कि इस जीवन को ईश्वर की भक्ति और सेवा में अर्पण कर देना चाहिए। और तीसरे प्रसंग से अभिप्राय है कि यदि हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है, तो हम यही विश्वास दूसरों के अंदर भी पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे ही है हमारी बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी हनुमान जी से जुड़ी आज की ये वीडियो? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।